मैं वोटर गंगा किनारे वाला हूँ, मेरा दर्द किसी ने न जाना कि यह गंगा का कटान होता है, पानी सर से ऊपर बहता है, यह गंगा का कटान होता है, पानी सर से ऊपर बहता है, मैं वोटर गंगा किनारे वाला। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। हरिद्वार से होकर जब गंगा नदी निकलती है तो बिजनौर में इस तरह से आपको कटान के तौर पर यहाँ नजर आएगा। पश्चिमी सीमा जो बिजनौर की है वहां से गंगा नदी होकर गुजरती है और इसके किनारे किनारे गांव यहाँ पर बसे हुए हैं। तो वोटर गंगा किनारे वाला में हम पहुंचे हैं अब बिजनौर, जानने यहाँ से कि यहाँ चुनावों का मुद्दा क्या रहने वाला है। वोट उसी को देंगे जो पूरा काम करेगा, झूठे वादों से जो को देंगे जो पूरा काम करेगा, झूठे वादों से जो ना हमको ठगेगा। आप लोग यहाँ पर गांव में रहते हैं, यहाँ बाढ़ की भी समस्या? बहुत तगड़ी समस्या रहती है जी, बाढ़ की तो यहाँ हर समय समस्या ही समस्या है। इस बार आप लोग जब वोट देने के लिए निकलेंगे, जो कि निकलेंगे ही, वोट देना बहुत जरूरी होता है, तो आप किस मुद्दे को सोच के वोट देंगे आप? समस्या तो यहाँ भी कुछ सुलझी नहीं है। देखो यहाँ, ये तो हमारा गांव जो है नेट पे नहीं चढ़ा हुआ जी बिल्कुल, और यहाँ की समस्या बहुत बड़ी है कि ये तो बाढ़ का खतरा बहुत अधिक रहता है। गांव है, इस गांव पर कोई भूमि नहीं है। अच्छा, एक भी व्यक्ति पर कोई भूमि नहीं है। अच्छा, भूमिहीन गाँव है और ना ही नेट पे गांव है। 40 साल इस गांव को बसे हुए हो गए, ना इस गांव में कोई कार्य होता है। ये भी अब एक सीसी डलवाई, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ और ये सीसी मैंने बड़ी मुश्किल से पता नहीं किस तरीके से कर डलवाई है। अच्छा, इस साल डलिए नहीं, अभी 40 साल से इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा, सांसद दीदी से हमारे गांव में, नवलपुर हमारे गांव का नाम है, आज तक हमारे गांव में कोई भी काम किसी सांसद किसी विधायक ने नहीं कराया। अब की बार जो हम वोट देंगे बड़े सोच समझ के देंगे, जो हमारे गांव का विकास करेगा और सफाई की तरफ ध्यान रखेगा। अच्छा, अभी तक भी जी हमारे गांव में जो सफाई कर्मी आते हैं 8-10 दिन में आता है एक बार, इसके बाद सफाई कर्मी भी नहीं आता, क्योंकि पढ़ाई की स्कूल के लिए कोई हिसाब ही नहीं। अभी जो सांसद उन्होंने नहीं किया, नहीं किया बिल्कुल भी। वोट करें जिम्मेदारी से, बचे प्रलोभन मकारी से, ठग ना ले कोई वोट तुम्हारा, ऐसा हो तो है खोट तुम्हारा। यहाँ से मतलब जो गांव का इलाका है, जो गंगा से सटे हुए इलाके हैं, और ये जो छात्र हैं, जो आप लोग कहाँ पर पढ़ते हैं? हम नूरपुर रोड बिजनौर कृष्णा कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं? मैम MSW समाज। MSW आप लोग इसके आगे अब क्या नौकरी करना चाहते हैं? सोशल वर्कर हैं, प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, और जो जिनकी सहायता कर सकते, जो हमारे। आप सुन रहे हैं कि सबकी क्या समस्याएं हैं, आप इन लोगों की समस्या भविष्य में दूर करना चाहेंगे? बिल्कुल तैयार हैं। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करना चाहेंगे और चाहेंगे कि ये परेशानी ज्यादा से ज्यादा दूर कर सके। तो ये इसके लिए तो आपको ज्यादा बने अभी से इन लोगों की समस्या दूर करने में लग जाइए, पूरा देश एक साथ हाथ मिलाएगा तभी होगा ना। यस मैम, हम इनको अवेयर करना चाहते हैं इस बात के लिए कि ये वोट दें, एंड ये टाइम टाइम पे अवेयर भी करते हैं, नेताओं पर भी दबाव हो कि वो इनका काम करें कम से कम, है ना। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर लॉ ऑर्डर की स्थिति कैसी है? ठीक है, समय निकलते हैं अपने घरों से लड़कियाँ? यहाँ पर इतना डर नहीं है, हम बिजनौर में हम फिर भी सेफ हैं। हमेशा से रहा है ऐसे? हमेशा से ऐसे रहा, हमेशा से बिल्कुल। अब हुई है, पहले से नहीं, पहले से नहीं था, अब ज्यादा सिक्योरिटी। 100 नंबर की गाड़ी हमारे कॉलेज के आसपास खड़ी रहती है, हमें मिल जाती है, अगर मतलब हम सेफ फील करते हैं आसपास। पुलिस वाले खड़े रहते हैं तो गर्ल्स को कहीं ना कहीं सेफ्टी फील। अच्छा, सिविल ड्रेस में रहते हैं खड़े पुलिस जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं इस बार? पहली बार? पहले दे चुके? अच्छा, विधानसभा में दे चुके हैं वोट, लेकिन लोकसभा के लिए पहली बार? हाँ, सबसे पहले ये है कि रोजगार मिले, लेकिन उनको रोजगार मिले, यूथ को जो लायक है, ये नहीं कि हाँ हम रिश्वत से आगे जाए, हमारा युवा रिश्वत से आगे जाए, जो योग्य है इस चीज की वही आगे जाए। सत्य और ईमान से सरकार बने, मतदान से। सभी का वोट बहुत कीमती होता है, अपना वोट सही सरकार चुनने में लगाना चाहिए सभी। आप लोगों ने लेकिन दिमाग बना लिया है ना? यस, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। मुद्दा आपका भी रोजगार है जी? रोजगार, रोजगार। आपको लगता है मिलेगा रोजगार आप लोग जब निकलेंगे यहाँ से या अपना काम शुरू? रोजगार मिलेगा मैम, मिलेगा, यकीन है। आपने बिजनौर में विकास देखा है? देखा है,
जैसे आजकल जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारी वेलफेयर सर्विसेज दे रही है सबको, जैसे रूरल एरियाज में अलग है और अर्बन एरियाज में अलग है। आपको लग रहा है? हाँ जी। आप कृष्णा कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सर, आप प्रोफेसर हैं, आपने बिजनौर को बदलते देखा? बहुत हद तक बदलती देखा है, आज स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। मैं जब छोटी थी तब भी हमें कभी भी अलाउ नहीं था कि हम अकेले बाहर जाएं, लेकिन आज यहाँ इस प्रोग्राम के लिए मैं स्कूटी से बिजनौर से यहाँ तक आई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ आज विकास हो रहा है। आरती शुरू हुई है, आप यहाँ गंगा आरती करवाते हैं? डेली आरती। कब से शुरू हुई? लगभग 2 साल। साल से पहले नहीं होती? यहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं था, और मोदी जी और योगी जी की सरकार में जो धर्म का विकास हुआ है, गंगा माँ की स्वच्छता का विकास हुआ है, उसके आधार पे हमने यहाँ गंगा आरती शुरू की। यहाँ पर स्थिति बेहतर हुई है, नमामि गंगे का असर यहाँ? जी जी मैडम, बहुत पहले से काफी वो हुआ है, अब साफ सुथरा है, आप घाट देख सकते हैं बिल्कुल। आपसे 2-3 साल पहले जो शौचालय आप इधर देख रहे हैं, वस्त्र परिवर्तन कक्ष और ये शौचालय, ये सब अभी नमामि गंगे योजना के तहत 2 साल के पहले पहले बने, और ये घाट आप देख रहे हैं सबका नवीनीकरण हुआ है, पहले यहाँ बिल्कुल कच्चा हुआ करता था। ये इलाका पहले से ऐसा था या नहीं? बहुत अच्छा हुआ है, पहले से तो बहुत बेटर हो गया। यहाँ अब एक ऑप्शन हो गया कि दुकानों नहीं, कम से कम गंगा किनारे? हाँ, गंगा किनारे भी बैठ सकते हैं, बहुत सुविधाएं हो सकती हैं पर्यटन के लिए, यहाँ पे बहुत कुछ डेवलपमेंट हो सकता है अगर करना चाहे तो, अगर सरकार करना चाहे। आसपास माला नदी भी है, ये बैराज भी इतना अच्छा हो गया है, इसको बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं अगर चाहे तो। शहर जो प्रॉपर है उसमें जिस तरीके, जैसे बिजली मैं समझ रही हूँ, यहाँ पर देखिए लोकसभा और स्थानीय चुनाव अलग अलग होते हैं, आपके विधानसभा अलग है, लोकसभा अलग है, लेकिन उसके बावजूद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो रहा है, सेम टू सेम है या खराब हो रहा है? बहुत थोड़ा सा चेंज है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बिजनौर अभी भी पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ से दिल्ली तक कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इवन डिमांड कर रहे हैं ये नगीना रोड है, ओवर ब्रिज की वजह से घंटों घंटों जाम लगा रहता है, वहाँ पे ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है। हमारी एक समिति है नगर कल्याण समिति, उससे हम बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज का हुआ था बिजनौर में पास, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। डेवलपमेंट है पर दिल्ली अभी बहुत दूर है, बहुत दिल्ली अभी बहुत दूर, घंटों के हिसाब से उतनी दूर नहीं है लेकिन विकास के हिसाब से दूरी। बस मैम, मैं तो यही कहूँगी, चिकित्सा से संबंधित आप मुद्दा उठाना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ जरा से भी कुछ बीमारी लोगों को हो जाती है तो अक्सर लोगों को इलाज के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, मतलब बिजनौर में ऐसी कोई। कितना पास है पहला अच्छा? जैसे यहाँ तो कोई इतना अच्छा अस्पताल मेरे मेमोरी में तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मेरठ जाते हैं, मतलब करीब करीब 80 किलोमीटर करीब। हाँ जी, मेरठ जाना पड़ता है लोगों को बस इलाज के लिए। इलाज की व्यवस्था बेहतर हो, सरकार कोई भी आए लेकिन भ्रष्टाचार दूर हो, गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं भी एक्स प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की, लेकिन मेरे ड्यूज पूरा 1 साल हो गया अब तक क्लियर नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने रिश्वत नहीं दी। तो ये जब तक करप्शन दूर नहीं होगा डिपार्टमेंट में से, तब तक कोई सरकार कामयाब नहीं है। क्या मुद्दा होगा आपके हिसाब से? देखिए, मुद्दा ये है कि फिरका परस्ती खत्म होनी चाहिए हिंदुस्तान से। जी। आग नफरत की जो दिल में है बुझा दो लोगों, आग नफरत की जो दिल में है बुझा दो लोगों, रस्म उल्फत को गुलिस्ता में सजा दो लोगों, एक थे एक हैं और एक रहेंगे हर दम, ये अमल करके जमाने को दिखा दो लोगों, और प्यार के फूल खिलाओ के फजाएं महके, प्यार के फूल खिलाओ के फजाएं महके, दिल की उजड़ी हुई बस्ती को बसा दो लोगों। इसमें क्या करते हैं नेता लोग के, लेकर वोट खिसकता चल, लेकर वोट खिसकता चल, चूना चक्कर मलता चल, जैसे गिरगिट रंग बदलता वैसे रंग बदलता चल, तंग आकर यदि जनता तेरी खोले चौराहे पर पोल, ऊने ता तम्बुक से बोल, दंगम शरणम गच्छामी, भंगम शरणम गच्छामी, गुंडम शरणम गच्छामी। सफाई वाई के मामले में भी प्रोग्रेस हो तो रही है लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, और बहुत सारे हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहाँ खूब हो। ऐसी हवा ऐसी फिजा ऐसा कहीं पानी नहीं, दुनिया में कोई देश भी
इस देश का सानी नहीं, इस देश का सानी नहीं। कोई भी सरकार आती है दो चीज़ उन्हें करनी चाहिए, कम से कम एक तो जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा जो हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार बेरोजगार है उसकी नौकरी की बड़ी समस्या है आज के पूरे देश के अंदर। यानी आप देश के मुद्दे पे वोट देंगे, स्थानीय मुद्दे अलग हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं। जी मैं मैडम देश के मुद्दे की बात करता हूं तो देश में जो मोदी सरकार ने इतना विकास किया है हर आदमी अपने हित के लिए देख रहा है, लेकिन अगर हम देश के हित की बात करें तो मोदी सरकार इज़ दी बेस्ट सरकार। आपको ऐसा लगता है? ठीक है, चलिए एक ब्रेक के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत जरूरी हो जाता है कि दरअसल जब हर तरफ से आवाज उठती है कि केंद्र के नेतृत्व की, उसके बीच में बहुत जरूरी हो जाता है उस सांसद के रिपोर्ट कार्ड को भी देखना जिसने 5 साल प्रतिनिधित्व किया है। बिजनौर से आप देख रहे हैं वोटर गंगा किनारे वाला, वोट की कीमत जान यही कह रहे हैं, वोट कीमती बहुत ज्यादा होता है लेकिन सांसद आते हैं यहाँ। हाँ सांसद आते हैं और ये देश का चुनाव है, हम देश के लिए वोट करेंगे और हमारा मेन मुद्दा आज के टाइम में 125 करोड़ जनता केवल एक ही नारा लगा रही है, भारत माता की जय। सांसद को कितने नंबर? इस सांसद को 10 में से मैं 8 नंबर दूंगा जी। बस हमारे इसमें थोड़ा जो बिजनौर में एक काम की आवश्यकता है वो है कि हमारा जो मुख्य रेलवे लाइन है वो कनेक्ट नहीं है ठीक से, यहाँ पर सिंगल रेलवे लाइन है तो एक उस काम की आवश्यकता है। वैसे यहाँ पर बहुत अच्छा, यहाँ हमारे जिले में जो हमारी बिजनौर लोकसभा है उसमें 4 नेशनल हाईवे का निर्माण भी हो रहा है तो काम ठीक चल रहा है, सांसद जी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ। सांसद को कितने नंबर? 8 नंबर जी। बहुत अच्छा काम किया। रीजन कोई अलग है या यही है? यही रीजन है मैम, सब जगह हाईवे जोड़ा जा रहा है, गरीब तक पहुँचा, पैसा पहुँचाया गया है। आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं। नौकरी मिल जाएगी? जी मिल जाएगी। पक्का? जी पक्का। आप कितना नंबर देंगे? सांसद जी को हम 9 नंबर देंगे। 9 जी। एक नंबर बढ़ा क्यों लिया? इन्होंने आयुष्मान योजना का जो आयुष्मान कार्ड योजना थी वो तो इन्होंने घर घर लो पहुंचाई। अच्छा लागू करवाया अच्छे से। आप कितने देंगे? मैं 7 नंबर देता हूं। उन्होंने कुछ क्षेत्र में विकास किया है परंतु कुछ क्षेत्र में वो नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्र है अभी, बहुत करना बाकी है क्योंकि कुछ ये नहीं कि हर आदमी हर बंदा कोई भी हो ये नहीं कि हर जगह जा पाएगा या हर कुछ वो कर पाएगा, सिंगल नहीं कर सकता, उसको टाइम देना पड़ता है। चुनावी मौसम है छाया, लो जी एक बार फिर चुनाव पर्व है आया, तो चलो उसका स्वागत करें हम तुम और पतित पावनी गंगा किनारे मिल बैठ सोच विचारे हम तुम और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में जरूर आहुति डाले हम तुम, पहले करना मतदान फिर करना खान पान तुम, सुन रे भाई सुन रही बहना वोट सोच विचार कर ही देना तुम और प्रत्याशी की जात पात नहीं बस उसकी योग्यता पर मोहर लगाना तुम, जो चूके अब की बार तो अगले 5 साल तक पछताओगे तुम और चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या फसल उगाओगे तुम। तालियां बजा दीजिए इस बात पर। अपने सांसद को कितने नंबर देंगे? बस नंबर सीधा बोलते जाइए। 6 6 7 100 में से 100। लेकिन सांसद की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है अपने इलाके की, इसीलिए सांसदों को लेकर क्या सोच रहे हैं वो बातें समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा हम आपको बता रहे थे महाभारत की धरती से जुड़ा हुआ है इस जगह का इतिहास, जो विदुर रहे हैं यहाँ की धरती से, अब सोचिए कितना सोच समझ कर सब यहाँ पर अपने वोट पर फैसला लेने वाले हैं। हम यहां से आगे बढ़ेंगे और गंगा के किनारे किनारे किसी और शहर कुछ और वोटरों के मन की बात जानेंगे। इलेक्शन का जमाना है हमें घर घर बताना है, चुनेंगे हम सच्चा नेता, चुनेंगे हम सच्चा नेता, चुनेंगे हम सच्चा नेता, बटन सच का दबाना है, चुनेंगे हम सच्चा नेता, बटन सच का दबाना है।